स्थल पर पहुंच गए हैं और ये देखिए बमरौली हवाई अड्डा जिला प्रयागराज आज की तारीख का उल्लेख है। और माननीय प्रधानमंत्री के आज रायबरेली और प्रयागराज में कई स्थानों पर अनेक कार्यक्रम थे, उनके बाद में उनका आगमन एयरपोर्ट के नए कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए यहां पर हुआ है। और श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी पटेल माननीय सांसद जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और साथ ही साथ यहां पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण और विमानपत्तन विभाग के सभी सहयोगियों का और मीडिया के सहयोगियों का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। महोदय, आज हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है जब सबसे कम समय में बनने वाला बमरौली का ये नया टर्मिनल कुछ ही देर में आपके कर कमलों से लोकार्पित होने जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ग्रीन फील्ड फीचर पर आधारित मात्र 11 महीने में 164 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल आज सभी की सेवा में समर्पित होगा, जिसके लिए हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। प्रदेश सरकार ने इसे 50 एकड़ की जमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया है। एक बार जोरदार ताली उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। तो आइए सबसे पहले इस एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। गंगा जमुना और सरस्वती के दुर्लभ गंगा जमुना और सरस्वती के दुर्लभ संगम का साक्षी प्रयागराज, जिसके कणकण में आस्था, भक्ति और विश्वास विद्यमान है। संगम किनारे बसा सदियों पुराना ये शहर, इसकी सुबह निराली है तो शाम अद्भुत। उत्तर प्रदेश का सातवां सबसे बड़ा शहर, वो दिव्य भूमि जिस पर नियमित अंतराल पर आकार लेता है कुंभ का दिव्य मेला, पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा आयोजन। इसी ऐतिहासिक सरजमी पर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा नए आधुनिक हवाई अड्डे कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। जगह की कमी और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रयागराज जिले में स्थित बमरौली हवाई अड्डे में नए और अत्याधुनिक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। इसके टर्मिनल भवन के सुचारू संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को 50 एकड़ जमीन मुहैया कराई, जिस पर करीब 164 करोड़ रुपए की लागत से 6700 वर्ग मीटर का एक टर्मिनल भवन रिकॉर्ड 11 महीनों में बनाया गया है। ये टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में 300 यात्रियों के संचालन की क्षमता रखता है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्कता योजना उड़ान के तहत बमरौली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से 13 शहरों मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ, पटना, नागपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, गोरखपुर, कोलकाता, पुणे और रायपुर के लिए भी हवाई जहाज उड़ान भरेंगे, जिसे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्थानों से भी जोड़ने की योजना है। इस हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन को पूरी तरह से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके लिए यहाँ क्यूट एनेबल चेक इन काउंटर्स, बैगेज कन्वेयर्स, एलिवेटर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फायर अलार्म्स, उड़ानों की जानकारी दर्शाने वाला आकर्षक डिस्प्ले सिस्टम, बैगेज स्कैनर्स, सीसीटीवी सुविधा, यात्रियों के लिए 200 कारों की पार्किंग के साथ 20 रिजर्व्ड कार पार्किंग स्पेस भी बनाई गई है। इस हवाई अड्डे को एयरबस 321 किस्म के हवाई जहाजों के संचालन के लिए तैयार किया गया है। नए एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण से अब देश के कई दूसरे शहर भी प्रयागराज से महज चंद मिनटों की दूरी पर होंगे। दूसरी ओर ये प्रयागराज के पर्यटन तथा उद्योग को बढ़ाने में सहायक होगा। ये एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स जनवरी 2019 में होने वाले अर्ध कुंभ में आने वाले तीर्थ यात्रियों को आवागमन का एक सुविधाजनक विकल्प देगा। प्रयागराज के समृद्ध भविष्य के लिए ये हवाई अड्डा कॉम्प्लेक्स नए आयाम स्थापित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह स्वप्न, जिसको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं,
और अब वक्त है प्रयागराज की धरती पर एक नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिलने का। हम अनुरोध करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से शिलापट्ट का अनावरण करें। ये बेहद खूबसूरत पल, ऐतिहासिक क्षण विश्व नेता के रूप में प्रतिष्ठित माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। इस नए टर्मिनल के उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो रिकॉर्ड समय में बना हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी आप जननायक हैं, विश्व नेता हैं और महर्षि भारद्वाज एवं महर्षि दुर्वासा की ये कर्मस्थली प्रयागराज अपनी सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक महत्व के लिए सारी दुनिया में जानी जाती है। उत्तर प्रदेश का नाम संसार भर में अब और आदर के साथ माननीय लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास भारत के विश्वकर्मा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभाशीष। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। माननीय, आप लगातार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम सभी आपके हमेशा से आभारी रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश का कण कण आपका स्वागत कर रहा है। महोदय, इस शुभ अवसर पर हम आपसे शुभाशीष के लिए अनुरोध करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से पहले हम अनुरोध कर रहे हैं उद्बोधन के लिए श्री सुरेश प्रभु जी, माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार। परमादरणीय सम्मान प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, सभी सम्मान्य मंत्रीगण, सांसदगण और यहाँ पर उपस्थित सभी महाभुनव, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इतने कम समय में और आने वाले अर्थकुंभ के लिए अत्यावश्यक सेवा को आज देश को प्रदान करने का कार्यक्रम में आने के लिए उन्होंने अनुमति दी। हम सब जानते हैं कि पिछले चार सालों में, साढ़े चार साल में, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, देश की हवाई यातायात में लगातार 20% से ज्यादा वृद्धि हुई है। आज तक पूरे विश्व में इतनी बड़ी मात्रा में, इतने कम समय में, इतने तेजी से बढ़ने वाला हवाई यातायात क्षेत्र और दूसरा कहीं भी नहीं है। और उसका ये लाभ सिर्फ हवाई क्षेत्र को नहीं हुआ तो हमारे देश के आम जनता को हुआ। बहुत सारे लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी हवाई सेवा, हवाई जहाज में बैठ के कहीं जगह जा सकते हैं। हर आदमी की जो इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए एक बड़ी मात्रा में हवाई क्षेत्र में, हवाई यातायात क्षेत्र में बड़ी मात्रा में परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री ने किया। कुछ समय में ही जब सिक्किम में प्रधानमंत्री ने देश के 100th एयरपोर्ट को उन्होंने लोग जनता को प्रदान किया था देश के सामने। आज हम चाहते हैं कि आने वाले 10 साल में कम से कम और 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसी जो जगह पर आज हवाई सेवा नहीं पहुंच सकते वहां पहुंचने का काम किया जाएगा और ये सभी करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो नेतृत्व दिया उसके लिए पूरी देश की जनता की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं इसी तरह से उनका समर्थन मिलता रहेगा तो हम और बड़ी मात्रा में तरक्की करते रहेंगे। और कुछ दिनों में ही पूरे विश्व में पहली बार पूरे हवाई क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जो संगठन है उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन 15 जनवरी को पहली बार कहीं पर भी विश्व में, लेकिन हमारे देश में मुंबई में होने वाला है। उसमें पूरे देश के लोग इसीलिए आ रहे हैं कि वो भी देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से इतने कम समय में तरक्की कैसे हुई। तो हमें चाहते हैं कि इसी तरह से हम लगातार काम करते रहेंगे
और आज मैं सभी श्रद्धालुओं की तरफ से भी उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि जब अर्थ कुंभ के लिए आएंगे तो कम के कम समय में आए जाने के लिए उनको मौका भी मिले, इसीलिए आज का ये हवाई अड्डा उनको हमें पूरी मात्रा में उनको हम समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री सुरेश प्रभु जी, और ये आपकी कृत संकल्पता ही है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। और अब जोरदार तालियों से हम संबोधन के लिए, शुभाशीष के लिए अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनको सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं। जोरदार तालियों। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुरेश प्रभु जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाई केशव मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संसद में मेरे सहयोगी नागेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमान श्यामाचरण गुप्ता जी, विधायक गण और सभी महानुभाव, अर्ध कुंभ के पूर्व ये सौगात सिर्फ प्रयागराज के लोगों के लिए सीमित नहीं है, एक प्रकार से ये सौगात देश और दुनिया के लिए है। प्रयागराज के लिए कुंभ का मेला नई बात नहीं है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन शायद ये पहला कुंभ मेला ऐसा है कि जो जल, थल और नभ तीनों मार्ग से यात्री आ सकेंगे। इस बात का सबूत है कि जब देश आज तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है तो भारत का मिडिल क्लास का बल्क भी बढ़ता चला जा रहा है, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी, स्पेंडिंग कैपेसिटी काफी बढ़ रही है, उनके एस्पिरेशंस भी बहुत हैं, और इसलिए जब विकास होता है अगर उसके साथ हम आधुनिकता के संबंध में सजग रहकर के प्रयास करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। वर्तमान सरकार का ये प्रयास रहा है कि भारत की मूलभूत समस्याओं को भी एड्रेस किया जाए, उसमें से मुक्ति के लिए प्रयास किया जाए और भारत को वैश्विक स्तर पर आधुनिक बनाने की दिशा में भी उतना ही प्रयास हो। अब जैसा अभी सुरेश जी कह रहे थे कि दुनिया में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर का स्थान है उसमें भारत अग्रिम पंक्ति में है। पिछले वर्ष, और ये जब कोई भी सुनेगा तो उसको आश्चर्य होगा, हमारे इतने बड़े देश में रेलवे के एसी कोच में जितने यात्रियों ने ट्रैवलिंग किया उससे ज्यादा लोगों ने हवाई जहाज में ट्रैवलिंग किया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि एविएशन सेक्टर रेलवे के साथ मुकाबला करने की ताकत पर पहुंच जाए। आप हैरान होंगे, देश आजाद हुआ तब से अब तक सिविल एविएशन सेक्टर में हमारे देश में कोई 400 साढ़े 400 जहाज सेवा में रहे हैं,
प्राइवेट भी आ गए, सरकारी भी आ गए, सब 450-450। इस एक वर्ष में नए 1000 जहाज का ऑर्डर बुक हुआ है, यानी 50-60 साल में 450 और इस वर्ष 1000 नए जहाज। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। और हवाई जहाज आकाश में उड़ना वो एक बात है, लेकिन ग्राउंड पर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब यही टर्मिनल करीब 169 करोड़ रुपीस के साथ बना, और एक्सपांशन होगा तब और खर्चा होगा। लेकिन यह भी विशेषता है प्रयागराज की कि हिंदुस्तान में जितने टर्मिनल बने हैं उसमें कम समय में बनने वाला एक टर्मिनल है, 11 महीने में तैयार हो गया। वरना हमारे देश में कोई सोच ही नहीं सकता है कि इतनी तेजी से काम हो भी सकता है क्या, क्योंकि हमें वो पुरानी आदत लगी हुई है। लेकिन सरकार बदलती है तो कैसे व्यवस्थाएं बदलती है उसका ये नमूना है। और अभी तो इसका प्रारंभ है, लेकिन आज इसका 4-स्टार रैंकिंग हो चुका है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यहां व्यवस्थाओं को एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर के विकसित की गई है। और कल्पना यह है कि आने वाले दिनों में प्रति वर्ष, ये कुंभ के कारण तो खैर जंप बहुत बड़ा लग जाएगा, लेकिन एवरेज सालाना 1,00,000 पैसेंजर्स इसी टर्मिनल से जाएं, ये कल्पना है। यानी कितने बड़ी मात्रा में जहाज का आना होगा। हवाई कनेक्टिविटी होती है तो हम दूर सुदूर क्षेत्रों के साथ बहुत जल्दी से जुड़ जाते हैं, भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, देहरादून हो, चारों तरफ आपका जुड़ाव बढ़ेगा। आज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं, बिजनेस वर्ल्ड के लोग हैं, उनको अगर कनेक्टिविटी की सुविधा सरल हो तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाता है। हम ये सोचें कि इन्वेस्टमेंट करने वाला लखनऊ उतरेगा, फिर कार लेगा, फिर इलाहाबाद आएगा और फिर यहां कुछ धंधा करेगा, वो जमाना चला गया। अब तो वो चाहता है कि जहां उसको काम करना है उसके पास सारी कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं मिले, और इसलिए देश में तेज गति से हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। उड़ान योजना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम सफलतापूर्वक किया है। दूर सुदूर क्षेत्र के लोग, जहां रेल और रोड कनेक्टिविटी 6-6, 8-8 घंटे, जैसे नॉर्थ ईस्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तो 6-6, 8-8 घंटे लगते हैं, हवाई जहाज में 1.5-2 घंटे में पहुंच जाता है। उड़ान सेवा का लाभ बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। और मैंने जब उड़ान सेवा का प्रारंभ किया था तब मैंने कहा था, मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ना चाहिए। सामान्य मानवी को भी ये सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और उसकी ताकत के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। वो आज संभव हुआ है और उसी को लेकर के आगे बढ़ने का हमारा प्रयास है, मुझे विश्वास है। टूरिज्म सेक्टर भी भारत में एक बहुत बड़ा संभावनाओं वाला क्षेत्र है। हमने इसका जितना बल देना चाहिए था, किसी न किसी कारण से हम गाड़ी पीछे छूट गए, लेकिन अब दुनिया के लिए हिंदुस्तान एक डेस्टिनेशन बन गया है। यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की जिंदगी
विश्व को आकर्षित कर रहा है। मैरिज के लिए आज भारत डेस्टिनेशन बनता चला जा रहा है, दुनिया के लोग शादी के लिए भारत को पसंद करने लगे। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम पूंजी निवेश और अधिकतम रोजगार, ये टूरिज्म सेक्टर में है। अब प्रयागराज अपने आप में सारी विरासतें यहां है, वो हिंदुस्तान का द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों नहीं बन सकता है। और पूरा उत्तर प्रदेश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को आकर्षित करने का माजा रखता है जी। उसका मन करेगा मैं कभी न कभी तो काशी जाऊं, मथुरा जाऊं, वृंदावन जाऊं, अयोध्या जाऊं, प्रयागराज चला जाऊं, त्रिवेणी में स्नान करके आ जाऊं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में पड़ा हुआ है। हर बेटा चाहता है कि माँ बाप को कभी न कभी वहां ले आऊंगा, हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटा मुझे कभी न कभी यात्रा कराएगा। इतना बड़ा एश्योर्ड मार्केट है एक प्रकार से, अगर मार्केट की भाषा में कहूं तो। ये हमारा काम है कि हम 130 करोड़ देशवासियों को मजबूर करें कि तुम्हें प्रयागराज आना ही पड़ेगा। व्यवस्थाएं विकसित करें, आकर्षक वातावरण पैदा करें, तो टूरिस्ट को आने का मन करता है और टूरिज्म इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए बहुत ताकत रखता है। और टूरिज्म के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता चला जाता है, हर किसी को रोजगार मिलता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, पूजा पाठ अर्चन करने वाला कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, हर किसी के लिए इतनी सुविधा वाला है। ये टर्मिनल बनने के बाद उसकी एक अहम जरूरियात पूरी हुई है। आगे की चीजों की ओर प्रयागराज के लोगों ने सोचना चाहिए। यहां की इकोनॉमी की एक ताकत का केंद्र बिंदु ये टर्मिनल बन सकता है। तो मुझे विश्वास है कि हम सब लोग इस नई सुविधा से तो लाभान्वित होंगे। प्रयागराज का एविएशन वर्ल्ड के अंदर मैप पर उसका जगह बन जाएगा। कुंभ के मेले में तो लोग उसका फायदा उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन सामान्य जीवन का अब हिस्सा बन गया है। हवाई जहाज यात्रा कोई बड़ी लग्जरी नहीं रही है, एक प्रकार से व्यवस्था का हिस्सा बनता चला जा रहा है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि गरीब के हाथ में मोबाइल हो सकता है। जितनी आसानी से आज सामान्य व्यक्ति भी मोबाइल फोन लेकर के आपको सब्जी बेचने वाला आएगा तो भी उसके हाथ में मोबाइल फोन होता है, दूध बेचने वाला आता होगा मोबाइल फोन है, अखबार डालने वाला आता होगा मोबाइल फोन है, वैसा ही एविएशन सेक्टर की संभावना है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति इंतजार करना नहीं चाहता है, समय ज्यादा लगाना नहीं चाहता है, जल्दी से जाना चाहता है। इसका लाभ एविएशन सेक्टर को मिल रहा है और नागरिकों को सुविधा मिल रही है। मैं फिर एक बार डिपार्टमेंट के लोगों को, एविएशन सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को 11 महीने में ये काम करके देना, ये अपने आप में अभिनंदन के पात्र है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, सुरेश जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद कि अच्छा काम किया और प्रयागराज की आवश्यकता के अनुसार समय से पहले हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके युगांतकारी नेतृत्व को शशत नमन। और अनुरोध करें माननीय सुरेश प्रभु जी से कि इसमें चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को दें, जिससे कि प्रयागराज की ये धरती इन पलों को हम यादगार बनाएं। ये खूबसूरत क्षण हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। जोरदार तालियां आप सभी की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यशस्वी जननायक माननीय प्रधानमंत्री जी, शत शत नमन। हार्दिक आभार हमारे संरक्षक माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी, और हम आभार प्रकट कर रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय श्री सुरेश प्रभु जी का, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी का, श्री नंद गोपाल नंदी जी, डॉक्टर महेंद्र पांडे जी।